हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम अनदर इंडिया में। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से। लेकिन ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास फ्रेगरेंस और बहुत ही पॉपुलर है हर जगह। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो दूसरी चीज़ है कि मेरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक के देखें, ठीक है। मेरा वीडियो जो देखना है स्टार्ट टू एंड, तब तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या बात क्या कर रहा हूँ। इसमें आपकी प्रॉफिट की बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। मतलब फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में ये ब्रांड का तो बात ही अलग है, हर कोई जानता है इस ब्रांड के बारे में। तो ये वाला जो ब्रांड है उसका नाम है अजमल, अजमल परफ्यूम्स। अजमल परफ्यूम एक से एक तरीके के अत्तर परफ्यूम्स बनाता है और आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही पॉपुलर। जिस अत्तर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उसको हर किसी ने कभी ना कभी यूज़ किया होगा कोई ना कोई ओकेशन के ऊपर, इतना पॉपुलर है ये। तो ये मतलब लाइफ में इंसान ने कभी ना कभी इसे यूज़ किया ही होगा, इतना तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। तो मैं आज जिस अत्तर की बात करने आ रहा हूँ उसका नाम है जन्नतुल फिरदौस बाय अजमल। तो ये है जन्नतुल फिरदौस बाय अजमल, इसका इस तरीके के बॉक्स के अंदर ये आता है। और ये जो है कॉस्टिंग वगैरह और इसकी खुशबू कैसी है मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, देखता हूँ कैसा है इसका बॉटल प्रेजेंटेशन। देखिए आप, ये देखो इस तरीके की ये बॉटल में आता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है जन्नतुल फिरदौस बाय अजमल और ये इनका लोगो है, ये ऐसा इनका ये लोगो है। तो ये अंदर देख रहे हो आप, इसके अंदर डार्क ग्रीन लिक्विड है। जन्नतुल फिरदौस का यूजुअली जो कलर होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल डार्क ग्रीन और रिच फ्रेगरेंस है ये। जब खोलता हूँ अंदर, ये ऐसा टिपिकल हमारा जो प्यारा दुराला रोल ऑन जो है वो आता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस है ये। इसको थोड़ा सी मैं हाथ पे लगाया हूँ आप लोगों के लिए, ये देखिए दिख रहा होगा आपको ये। इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही रिच है, ओवरवेलमिंग है, सोपी काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। और स्टार्ट में जब लगाओगे तो आपको बर्गामोट की खुशबू आएगी। बर्गामोट एक तरीके का सिट्रसी एलिमेंट देता है इसके अंदर, फ्रेगरेंस इसमें जन्नतुल फिरदौस में। उसके बाद में गूसबेरी की आपको खुशबू आएगी। गूसबेरी मतलब आसान भाषा में उसे आप कहे तो आंवला जो रहता है वो, उसका खटास। और उसके बाद में इसका खुशबू एकदम सोपी हो जाता है। इसके अंदर थोड़ा सिंथेटिक वाला रूह खस भी यूज़ किया गया है। तो जन्नतुल फिरदौस के अंदर रूह खस का सिंथेटिक यूज़ करना, वो कलर जो इसका बॉटल के अंदर है वो बता देता है कि ये कलर जो है इसके अंदर रूह खस डाला गया है। थोड़ा सी हिंट दिया गया है, ऊद का भी दिया हुआ है, थोड़ा सी हिंट है, वो भी सिंथेटिक वाला ऊद का है, थोड़ा सी संदल का है। मतलब ऐसा ये मिक्सचर कंपोजिशन बनाया गया है, इतना मतलब इसको जब आप लगाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ही मस्कुलिन फ्रेगरेंस है, मतलब एकदम परफेक्ट है। लगा के कोई पास होएगा तो ऐसा लगेगा बहुत इज्जतदार मतलब फ्रेगरेंस लगाया है किसी ने। और एकदम मतलब ये लगाने के बाद ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना मैं गारंटी बोलता हूँ। जो दूसरे जो ब्रांड्स है जिसका बन जन्नतुल फिरदौस है और ये जन्नतुल फिरदौस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाला सबसे टॉप क्वालिटी का है। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं कि कौन सा लेना है तो मेरे समझ से ये अजमल का बेस्ट रहेगा, ये सबसे टॉप क्वालिटी का। इतना अच्छा इसको लगाओगे तो एक क्लाउड बन जाएगा,
15 से 20 मिनट लगता है सेटल होने के लिए। उसके बाद में ये 2 फुट तक के ये प्रोजेक्ट करता है और बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जो पास होगा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसे मतलब ज़्यादातर ये मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, तो मेल ही लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, मेल लोग मेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 9 घंटे तक के लास्ट करता है, 9 से 10 घंटा, ज़्यादा भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री में रहते हो, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर वगैरह कौन से रीजन में है, तो वो हिसाब से जैसे आपके कंट्री का क्लाइमेट कूल रहेगा तो ये ज़्यादा लास्ट करेगा, आपकी कंट्री का क्लाइमेट थोड़ा हॉट है तो थोड़ा ये कम लास्ट करेगा। तो ठीक है, ये था आज का मेरा जन्नतुल फिरदौस का ये। और अजमल का पता है आपको कि आप कोई भी अगर बड़ी सिटी में रहते हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, तो आप इसे शोरूम में जाकर पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ये है। तो इस तरीके का प्रेजेंटेशन वाला इतना कम बजट में ये अत्तर है। और प्राइस की मैं बात करता हूँ, ये 500 रुपये का था, 10 ml 1 तोला है ये, 10 ml मीन्स 1 तोला, तो 500 रुपये में इससे अच्छी डील आपको नहीं मिल सकती है। और इतना अच्छा जन्नतुल फिरदौस सबसे अच्छा वाला टॉप ब्रांड का क्वालिटी वाइज बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अतर है ये। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।